होडल उपमंडल के गांव ढाडका के सरपंच पर पहले ही करोड़ों के घोटाले के आरोप में होडल थाने में मुकदमा दर्ज है। वहीं दूसरी ओर फिरनी में बनाई जा रही नाली को लेकर ढाडका ग्रामवासियों में ठेकेदार व सरपंच के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। होडल ढाडका निवासी साहून में जानकारी देते हुए बताया कि फिरनी में नाली बनाई जा रही है, इस नाली में घटिया प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। साहून ने मीडिया कर्मियों के कैमरे के सामने नाली को हाथ से उखेड़ते हुए दिखाया। उनकी जब सामने नालियां तोड़ी तो उनमें से ना तो सीमेंट ठीक तरीके से लगाया गया था, ना ही उसका तला बनाया गया था। जब इस मामले की ठेकेदार से शिकायत की तो ठेकेदार ने कहा कि ऐसे ही बनेगी, मुझसे सरपंच असलम ने कहा है वैसे ही तो बनाऊंगा। इस मामले को लेकर ग्रामवासियों ने मीडिया में शिकायत की। मीडिया वालों ने जब ठेकेदार अल्ताफ से मोबाइल द्वारा संपर्क साधा तो अल्ताफ ठेकेदार ने बताया कि अभी तो मैंने 500 ईंट ही लगाई हैं, उनको उखाड़ कर दोबारा लगा दिया जाएगा, अभी क्या बिगड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरपंच ठेकेदार की मनमानी के चलते गांव की फिरकी में बनाई जा रही नाली दोबारा तोड़कर सही तरीके से बनाई जाती है या नहीं। इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों ने होडल BDPO से संपर्क किया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने सेट को बोल दिया है यह नालियाँ एक्शन विभाग से बनाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर गौर करके ठीक करवाऊंगा। जो ये आपके घर के सामने नाली बनी है, किस तरीके से बनी है इसमें देखा जा रहा है कि इसमें मटेरियल वगैरह लगाई गई है जी, सही तरीके से काम नहीं किया गया, जो कि ये ऊपर ऊपर इसमें हल्के हल्के से वो करके चले गए हैं मार्किंग और प्लास्टर किस तरीके का किया है इस नाली पर। इसका हल्का सा प्लास्टर वैसे ही बस ऊपर ऊपर कर दिया है, नीचे कोई प्लास्टर नहीं, कुछ नहीं, ना मिट्टी इसमें से गार निकलवाई है ना कुछ किया है। तो क्या आपने ठेकेदार से इसकी शिकायत की थी? वो जो काम कर रहे थे उससे पूछती है तो वो ये कह रहे हम तो ऐसे ही करते हैं।